वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 2x + 5 = 6x है देन हमने 12x फाइंड करना है। क्या करेंगे, सिंपल। वैसे हमें इक्वेशन सॉल्व करने को कहा जाता है और कहा जाता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो, लेकिन यहाँ पर तो 12x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन को पहले यहाँ पर राइट करके सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5 = 6x। जब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपने क्या करना है। 6x इधर ही रहने दो, 5 यहाँ पर रहने दो, ये 2x उधर जाके -2x हो जाएगा। ओके, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, 2x इधर रहने दो, 6x इधर इधर ले आओ। लेकिन जो ये किया करो काम, प्रेफर इसको किया करो, जो टर्म बड़ी है उसके पास दूसरी टर्म छोटी ले जाओ, उससे साइन का इशू नहीं आता। ठीक है, साइन माइनस का अगर जिसको डील नहीं करना आता उसके लिए ईजी हो जाता है। 6x इधर, 2x इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया। आपको पता है कोई भी साइन जो है, कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पर जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। इधर पॉजिटिव 2x है, इधर जाके -2x हो गया। 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो 4x आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा। x के लिए क्या करेंगे, x को यहीं पे रहने देंगे, 5 को इधर रहने देंगे, 4 इधर से प्रोडक्ट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5/4 = x है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सो x हमारे पास किसकी इक्वल है, 5/4 के। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से हाईलाइट कर दो, पता चल जाए x की वैल्यू आ गई है। आपको 12x की फाइंड करनी है तो क्या करोगे, 12x को इधर राइट करोगे, 12 का 12, और x की वैल्यू अभी जो आई है आपके पास 5/4, वो राइट कर लो और सॉल्व कर लो उसको। 4 × 1 = 4, 4 कितने टाइम 12 होता है, 3 टाइम, 3 और 5 आ गया, तो मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, 15। तो 12x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड की तो 15 आ गया, आंसर आ गया। या आप कंप्लीट सॉल्यूशन इसका नोट कर सकते हो। अगेन देख लो क्या किया, पहले जो इक्वेशन थी वो राइट कर ली, ये इधर ही रहती है, उधर ले गए साइन तो पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव सॉल्व किया, 4x आ गया, ये इधर ही 4 इधर से प्रोडक्ट, उधर जाके प्रोडक्ट इधर आके डिवाइड हो गया। देन इसको कट कर नहीं सकते थे वरना इधर कट कर देते, 5/4 ही आ गया एक्स की वैल्यू। देन 12x की फाइंड करनी थी, 12x को इधर राइट किया, 12 का 12, एक्स की वैल्यू 5/4 इधर पुट हो गई। फिर 4 से दोनों को कट कर दिया, 4 × 1 = 4, 4 कितने टाइम 12 होता है, 3 टाइम, 3 और 5 रह गया उनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं था, इनका मतलब है इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, और आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, इफ़ 2x + 2 = 8x है देन 3x क्या होगा, और मुझे कमेंट में आंसर बताओ इसका क्या है आपके पास आएगा। जिसका ठीक होगा तो उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगी। ठीक है, अब आपके पास इस जैसा कोई भी सिमिलर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन होगी सिंपल उसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, देन जो ये है इसमें इस तरह से पुट कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक